मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक CSC मीरगंज। हमारे यहाँ 26 नवंबर से मीजल्स रुबेला टीकाकरण का अभियान चलेगा, जिसमें 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को एक MR का टीका दिया जाएगा। ये पहले ये जो टीका है ये पहले फेज में स्कूलों में टीका लगाया जाएगा, जो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मीजल्स खसरा मतलब का टीका हमारे आपका प्रोटीन इम्यूनाइजेशन में पहले से लगता हुआ आ रहा है, पर जो रुबेला है ये भारत सरकार ने आपका UP में 26 नवंबर से मतलब ये आपका जो अभियान के थ्रू चलाया जाएगा और ये लॉन्च 1-1.5 महीने पहले से हो चुका है। ये रुबेला से क्या क्या हानि होती है? रुबेला से देखो, रुबेला से खसरा की तरह ही दाने निकलना, चेहरे पे दाने निकलना, बुखार आना, खांसी और जो जुकाम इस टाइप के, आंखें लाल हो जाना, और इससे मेन परेशानी होती है गर्भवती महिलाओं को। अगर ये इन्फेक्शन गर्भवती महिलाओं को शुरू के 3 महीने के अंदर हो जाता है तो या तो उनको गर्भपात हो जाता है, और अगर गर्भपात नहीं होता है तो जो बच्चा पैदा होता है वो विकलांग पैदा होता है, चाहे उसको दिल में छेद होना, आपका दिमाग का भी डेवलपमेंट नहीं होता है, वो उन्हें बहुत कोई भी परेशानी है उसको जो है आपका वो विकलांग ही पैदा होगा। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे 26 नवंबर को? जनता से मैं ये निर्देश आपका संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें 100% जो है आपका जनता से सपोर्ट रहे, और जो भी 9 महीने से 15 साल तक के बच्चे हैं सभी को टीकाकरण।